तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। सुन लिया जलालुद्दीन, अब तो तेरे बेटे ने भी कह दिया। हाँ। मारो सालो। उठ जा वरना फिर बुला लूंगा उन्हें। चलो अय्याशी करेगा बुढ़ापे में, बुढ़ा अय्याशी करेगा। बैठ जा। बुढ़ापे में अय्याशी करेगा। अब वो क्या फड़क फड़क कर रहा? अब तो सबर आ गया, सारे गांव के सामने नाक कटवा दी। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था अम्मी कि अब्बू ऐसा भी कर सकते हैं। शेख जी तुमने सच बोल के अच्छा किया, कम से कम आज के बाद कभी ऐसा करेंगे तो नहीं। रुक जाना, जब मैंने देखा था बतला दिया। अब्बू 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 तू मुझे कितना मार ले, कितना पीट ले, मुझे कोई मलाल नहीं है और ना मुझे कोई दुख, क्योंकि तेरी सच्चाई को तो मैं जानू ना। ये क्या जाना? अब तो पूरा गांव जान गया, अब चुप करके चारपाई पे लेटो। रुखसाना मेरे चोटी लग गई, मुझे डॉक्टर के से दवाई ला दे। रुखसाना निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है। ठीक है जा रहा हूँ। हाय मेरा बच्चा, उठ बैठ यहाँ, बैठ तू यहाँ, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। रुखसाना मेरी बच्ची, जरा तू पानी गर्म करके इसकी सिकाई तो कर दे, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। मेरे लाल रोइयो नहीं, मैं अभी दवाई लेके आ रही हूँ। हाय हाय दादू, क्या ले डार्लिंग? क्या कहा बदतमीज, शर्म नहीं आती तुझे? आती जाती औरतों को छेड़ता है। ओए ओए पहली बार इतना गुस्सा देखा हूँ किसी में, तो मेरा दिल आ गया जानू, खुदा की कसम। छोड़ मेरा हाथ, लफंगा कहीं का, चल परे हट। तुझे पता नहीं है मैं किसकी बीवी हूँ? डॉक्टर की बीवी हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो तुझे जान से मार देंगे। ठीक है चल, तू अपने घर ही चल जानू, तेरे घर ही आ रहा हूँ मैं तेरे पीछे। हाँ हाँ आ जा, तेरी हड्डी पसली ना तोड़वा दी तो मेरा नाम रूबी नहीं है। चल तेरे घर ही आ रहा हूँ मैं, चल। आप यहाँ घर पे पड़े रहते हो और दवाई लेने भेज देते हो मुझे, मैं न लाने की हूँ किसी की दवाई ववाई। क्या हुआ रूबी, कैसे मूड खराब है? मूड तो खराब होगा ही, आज एक लफंगे ने मुझे छेड़ दिया और कोई भी नहीं बोला कुछ। क्या तू जानती है उसे कौन था? अरे मैं नहीं जानती उस हरामजादे को, पता नहीं कौन था, सड़क पे मिला था मुझे। उसका हुलिया कैसा था? का हुलिया छोटी सी दाढ़ी थी और टोपी पहनी हुई थी और एक निक्कर पहना हुआ था उसने। तो चिंता मत कर, मैं अभी जा रहा हूँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा था मैं खुद तुम्हारे घर आ रहा हूँ। यहाँ आ गया तो जिंदा नहीं जाएगा वो। हाय डॉक्टर साहब, मार दिया मुझे, दर्द की दवाई दे दो। अजी हमने कौन मार दिया? अरे मेरे लौंडे को मार दिया उसके बापू ने, उसके चोट लग गई, उसके दर्द की दवाई दे दो। दवाई तो जी मरीज को देख के देंगे, अपने लौंडे को भेज दे यहीं पे। अच्छा ठीक है फिर मैं उसे भेजती हूँ। मैं तुझे जा रही हूँ अंदर, मुझे तो डर लग रहा है वो आने ही वाला होगा। आ जाने दे उसको आज। अम्मी को नहीं मरने दूंगा, अम्मी को नहीं मरने दूंगा, अम्मी को नहीं मरने दूंगा। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे लाल? अम्मी अम्मी ले आई दवाई। अरे उस मुए ने दी ना। रुखसाना कहाँ है? रुखसाना कहाँ, अंदर घुस रही होगी रुखसाना तो। अरे ओ रुखसाना, ओ रुखसाना बाहर आ। क्या हुआ अम्मी, ले आए कैप्सूल? क्या आफत आ गई? अरे तुझे आफत ही ना दिखाई दे रही, मेरा लौंडा दर्द से करहा रहा, तू कह रही है क्या आफत आ गई? आप तो दवाई लेने गई थी, ले आई दवाई। अरे तू अपना आप ही दिखा के लिया, वो मुआ यूँ कह रहा था कि मैं मरीज को देख के दवा दूंगा। अम्मी क्या वो डॉक्टर जाने हमें?
अरे हमें क्यों जानता, हमारे क्या उससे रिश्तेदारी है, मैंने तो उस मुए का घर भी आज ही देखा है। अम्मी फिर हम कैसे जाएंगे उसके यहाँ? क्यों, तेरे मुँह में जुबान ना है, किसी से पूछती भी चली जाइयो। ठीक है अम्मी जा रहे हैं, चलो शेख जी आराम से लेके जाइए मेरे लौंडे को। खड़ा करिए, हाँ पकड़ के, हाँ मेरा बच्चा, मेरा लाल, आराम से ले जाइए। ठीक है अम्मी, ठीक है। डॉक्टर साहब यही बताया था नहीं? हाँ डॉक्टर साहब आ जाओ, दरवाजा खुला है। खुला ना खुला था, बंद करके जो बैठा अंदर, डर रहा हमसे? आराम से शेख जी आराम से। हमें तो रास्ते की पता नहीं, पूछते आया आखिर हमें आना ही पड़ा। क्यों रुक जा, हमारे बगैर काम चला नहीं, आखिर हमें आना ही पड़ा। हाँ शेख जी हाँ। मैं डॉक्टर साहब इतना उठा ऐसा बैठूंगा तेरे सिर पे। चल भाई चल, बाद में आ, जल्दी बाद में आइए। रुक जा बैठा था, सहज में बैठा थे। शेख जी तसल्ली रखो शेख जी। क्या आना पड़ा? ये वही तो ना जिसे रूबी बता रही थी, जिसने रूबी को छेड़ा था। इसने कच्छा ही पहन रखा है और दाढ़ी भी है और सर पे टोपी भी पहन रखी है। रूबी कह रही थी, वो घराने को कह रहा था, इससे ही पूछता हूँ। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो डॉक्टर साहब? अच्छा तू एक बात बता, तू मेरी बीवी से मिला था? अबे इसकी बीवी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, फिर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं सच बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोलना चाहे कुछ भी हो जाओ। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो। अच्छा तो तूने उसका हाथ पकड़ के बदतमीजी की थी? कब की थी, लेकिन मुझे तो झूठ बोलना, कह देता हूँ। हाँ मिली थी साली बरगद दिखा रही थी। अच्छा फिर तूने उससे कहा था तू मेरी डार्लिंग है, तू मेरी महबूबा है, कहा था? हाँ तो बिल्कुल ठीक बोल रहे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। शेख जी ये क्या कह रहे हो तुम? बात तो चुप रहा। फिर तूने उससे कहा चल तेरे घर तक आ रहा हूँ और तू हमारे घर आ भी गया? हाँ जो मैंने कह दिया वो सही कह दिया, तू का धार ले। अच्छा धार तो तुझे मैं दूंगा हराम जादे। मुल्ला के बच्चे दूसरों की आती जाती बीवियों को छेड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इतनी सुंदर बीवी है, दूसरों की बीवियों पे बुरी नजर डालता है। आप क्या करते हैं, देख लो तुम्हारे सामने छेड़ने को कह रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम अपने घर जाओ, नहीं छोड़ोगे भाई जान इन्हें और ठोको। क्या कैसा ठुकवा दिया कम ठुकवा दिया। ये वही बदतमीज है जिसने तुम्हें छेड़ा था। नहीं जी ये तो वो नहीं है, इस बेचारे को तो मैंने देखा भी आज ही है, अभी देखा है, वो तो कोई बेशरम लफंगा था, आपने इसे क्यों पीट दिया? ये क्या कह रही हो रूबी? भाई मुल्ला जी हमें माफ कर दो, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती आपकी नहीं डॉक्टर साहब, गलती तो इनकी है जो आपके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, हम तो बस आपके पास दवा लेने आए थे। ठीक है भाई जान चलो दवाई दुकान पे से दूंगा। उठा भी नहीं जा रहा, इतना पीट दिया दुकान पे देगा दवाई, कमला क्या दवाई भी नहीं दे रहा तू। उस हरामजादे के चक्कर में बेचारा ये पीट गया। मारुक तरह मरवा दिया मुझे कमला। आराम से शेख जी।
मरवा दिया अम्मी, रुखसाना ने पिटवा दिया मुझे। अरे तू एक बात तो बता, तू इसकी दवाई दिलवाने गई थी, इसके हट तुड़वाने गई थी? मैं क्यों हट तुड़वाती, ये तो तुम्हारा पूत ही है सर, जो ऐसे कर्म करते फिरे। क्या कर दिया मेरे पूत ने? है रे, बताता क्यों ना आराम जादे, है ऐसे सुनवाई कर अपनी बहू से। ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ इनकी करतूत। रास्ते में डॉक्टर की बीवी का हाथ पकड़ के बोले, मेरी डार्लिंग, मेरी महबूबा, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। कौन सहन करेगा इनकी ये हरकत, पिटाई तो होनी ही थी। अरे चुप कर बेहाया, बेशरम, चुप हो जा, तूने देखा था इसे? मुझे देखने की क्या जरूरत थी, जब पीट रहे थे तो उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। अजी सुना, बस यही सुनने को बाकी रह गया था। अबे क्या हो गया तुझे, अबे मारी भी काया तुड़वा दी और अपनी भी काया तुड़वा दी, मारी तो कुछ समझ में आया है? अबे सुबह से तूने रोटी भी खाई या नहीं खाई, जा रोटी खा ले जाके। ओबे भूख तो मुझे लग रही है, मगर मुझे तो झूठ बोलना वरना मैं मर जाएगी, मजा नहीं खानी, मजा नहीं है भूख। ना खाना तो अंदर घर में जाओ, चलो है? अंदर नहीं लेटना, मुझे बाहर जाना। हाँ हाँ तो घूमो बाहर जाकर, अभी भी चैन नहीं इतना पिट के। मैं चल रहा हूँ, तब बाहर निकल जाएगा। अबू मरवा दिया अबू, बाहर टहर के कुछ आराम तो कर लूंगा। चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, चोर 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 मुझे थाने मत ले चलो। अरे नहीं ठीक है ठीक है, तू जा, तू जा, निकल जा, साला निकल जा, बच्चा साला जा, बच्चा फिर है। हेलो, कहाँ से? साईं बाबा थाने से। ठीक है जनाब, ठीक है मैं पहुँचता हूँ। ओके इंस्पेक्टर उत्तम। दीवान जी हमने चोर पकड़ा। दीवान जी, ऐसा चोर तुम्हें दीवान जी दिखता है? कौन सा चोर? वैसे जो क्या दीवान, क्या मुझे था पुलिस वाले सब एक से चमके हैं, यही है चोर। उत्तम इंस्पेक्टर साहब, यहाँ ये उत्तम कुमार। यस सर। देखो इनकी खबर लीजिए और शाम को मुझे ये रिपोर्ट 100% चाहिए। ठीक है समझे? ठीक है सर, मैं दूसरी जगह दौरे पर जा रहा हूँ। जय हिंद सर। हाँ तो किसने पकड़ा चोर? हमसे तो भाग गया चोर, ये तो भराव मुल्ला जी का, इन्होंने पकड़ लिया। हाँ मुल्ला जी, कौन है चोर, सारा वाक्य बताओ। ओबे मुझे तो झूठ बोलना, अपनी अम्मी को बचाना, अगर मैं सच बोला तो अम्मी मर जाएगी। हाँ साले का डॉक्टर का नाम ले देता हूँ, इनने साले ने मुझे बहुत मारा अपने घर पे। बोलो मुल्ला जी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये साला भागा जा रहा था, मैंने इसे रोका। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने इससे कहा तूने क्या चुराया बोल, कह रहा पैसे चुराए, ये रखे जेब में। पैसे? आगे क्या हुआ? आगे क्या, मैंने इससे कहा पैसे निकाल, निकाल पैसे निकाल। आगे क्या हुआ? फिर मेरे से बोला मुझे छोड़ दे वरना चाकू काटूंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, बस सब लोग आ गए और पकड़ के लिया। अच्छा, साला पैसे चुरा रहा और चाकू मारने की धमकी दे रहा, अभी बनाऊंगा तेरा हीरा। मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, छोड़ दो, अरे छोड़ दे, डॉक्टर बता रहा हूँ, मारो, छोड़ दो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं छोड़ दो, इतना क्यों मार रहे इंस्पेक्टर साहब? हाँ तो किसके थे पैसे? इंस्पेक्टर साहब पैसे तो मेरे थे, मुझे मिल गए, पर ये तो मेरा पड़ोसी है डॉक्टर साहब। पड़ोसी है डॉक्टर? पड़ोसी होकर चोरी करता है, 2 दिन रिमांड पे रखो ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम सब लोग अपने घर जाओ। साहब मैं चोर नहीं हूँ। चोर ना तो है, डॉक्टर बता रहा और कर चोरी रहा। अरे भाईजान, अरे तुम निकलो यार, तुम्हारे पैसे मिल गए, तुम निकलो। निकल, तुम्हारे पीछे क्या कर रहा है, ऐसे करेगा? अरे भाईजान, तुमने मेरी जान बचाई, इसका तुम्हारा बड़ा 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 शुक्रिया।
मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया तो है भाईजान, एक बात बतलाओ, अगर मैं तुमसे कभी मिलने लगू अपने घर का पता तो बता दो। अरे मेरा ठिकाना पता क्या, रोड पे मेरे पान की दुकान है, उस खोके के पीछे ही सोता रहता हूँ। अच्छा हाँ। मगर एक बात बतलाओ भाईजान, जो तुम इतना माल चुराते हो वो कहाँ जाता? अरे भाई मुल्ला जी, वो तो सब ऐश और आराम में चला जाता है। ठीक है था, अब चलते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो मिलेंगे। हाँ मुल्ला जी, जब भी मिलना पड़े पान के खोके के पीछे सोता रहता हूँ, वहीं मिल लेना। ठीक है बेटे। हाय हाय। अरे ताऊ तोरी कैसे दी है? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो? बनानी अभी पड़ेंगे जाकर। 10 रुपए किलो बतावे ताऊ तोरी, सही लगा ले रेट। अच्छा कितने तू बताओ? 250 ग्राम दे दे बस। अच्छा 10 रुपए किलो में भी 250 ग्राम? सही से तोलियो, कम मत तोलियो। हाँ भैया, 10 रुपए की जलेबी दियो। गरम भी है ना भैया? अरे भैया मीठी भी है क्या ना? कभी ऐसी बना रखी हो? पहले खा के देख लूं भैया, पैसे वापस ले लूंगी मीठी ना हुई तो। सही है। आया साला डॉक्टर का बच्चा, बदला ले लिया साले से मैंने भी। हेलो कैसा पिटवाया? अरे बंद करो यार। अम्मी अम्मी कहाँ फिर रही हो, कहाँ से आई हो? पहले तो ये बता तू कहाँ घूमता फिर है? ओ मैं तो एक होटल में आया हूँ, एक चोर को पकड़वा आया हूँ अम्मी। अच्छा तो ले थैला तो पकड़, चल। इसमें क्या अम्मी, बहुत सा हो गया। सब्जी है और क्या है तेरे अब्बू की पसंद की? अम्मी अम्मी मुझे पैसे दे, गोलगप्पे खाई आऊंगा। बेटे पैसे तो खत्म हो गए, अभी तू पहले कहता, मैंने अभी रबड़ी खा ली। रबड़ी खा ली? मेरे ध्यान ना रहा, अभी तू पहले आता तुझे गोलगप्पे भी खिला देती। गोलगप्पे भी खा लिए थे ना? जलेबी भी खा ली। ठीक है अब्बू से कहूंगा घर चल। ना चल। मेरे लाल अब्बू से ना कहियो, अब्बू नाराज हो जाएंगे और मारेंगे भी। तू एक काम कर, तू घर चल और मैं तुझे पैसे दूंगी, और तू लेके भी चला जाइयो, खा भी लियो और रुखसाना के लिए ले भी जाइयो। ठीक है अभी तो कितनी अच्छी है अम्मी। अब्बू से मत कहियो नहीं तो तुझे भी मारेंगे। ठीक है। कुछ बना दे अब्बू, जब सब्जी आएगी तभी तो कुछ बनेगा। अरे बेटा मैं कुछ बोलूंगा फिर वही रात की रात, और आज तो बिल्कुल हद कर दी, 4 घंटे हो गए। हाँ अब्बू लगता है पूरा बाजार लाएंगे उठा के। आज आ जान दे, आज से उसका बाजार जाना बंद, हम खुद लाए देंगे सब्जी। ये तो ठीक है अब्बू, सारा काम ठंडा करती है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, मोटी मोटी है मेरी अम्मी। अब क्या रख देता सब्जी। आ गई। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि आज घर आने वाली नहीं है, कहीं लाभ बताओगे? हाँ बैठी थी मैं तो वहाँ पे, मोल भाव तो करना ही ना पड़ता है, तुम तो घर बैठे बैठे हुकुम दिलाते रहो, तुम्हें फ्री में मिल जाए ना, बाजार में जाके देखो तो पता चले, यही बैठे बैठे हुकुम चलाते रहो। और हम भी लोग जा रही है, बेशरम चुप हो जा, अब तक कहाँ थी? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, शेख चिल्ली भी मेरे साथ था। बता रे बता, सच बता, सच बोल बता। मैं क्या बतलाऊं, अगर मैंने ये कहा कि अम्मी मुझे रास्ते मिली तो सच हो जाएगा, अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। बकवास कर रही, मैं जल्दी बता, मैं मेरी वैसे खोपड़ी खराब हो गई। अजी बोलो जी बोलो, क्यों चुप हो, क्या पूछ रहे हैं अब्बू? अब्बू
अम्मी बैठी थी नूरा के पास, नूरा ने पैसे दिए और नूरा ने सब्जी लाके दी और नूरा के साथ रबड़ी खाई और नूरा के साथ बैठी बतला रही थी। अरे ये क्या कह रहा है तू कमबख्त? अच्छा तो यार के साथ मार खाती थी रही थी साली। अब्बू अम्मी ये कह रही थी मेरे से अपने अब्बू को मत बतलाना, मैं तुझे पैसे दूंगी। या अल्लाह इस उम्र में ये चोचले कहीं डूब के ना मारा गया, बतेरी नदियाँ बह रही है। हाय अल्लाह हराम जादे पिटवा रहा है खड़ा खड़ा पिटवा रहा है। हट जा सांड खत्म ही करेगा। मैं दिलाऊंगा तुझे पैसे, आज तूने जलालुद्दीन का नाम निंदा कर दिया और अपने लौंडे से कह रही है कि अब्बू को बताना मत कहाँ मैं कुछ चलने उठा रही थी। अरे मैं क्यों कहती इस हरामजादे से, मैं तो सब्जी लेके चल दी थी, यही मिला मुझे रास्ते में, पता ना कि जन्म का बैर निकाल रहा है। हाय अल्लाह मुझे उठा ले, ऐसा सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? इस हरामजादे को पैदा होते के साथ मैंने इसका गला क्यों ना दबा दिया? गला दबाने की जरूरत नहीं है, अब मैं ना रुकने वाली इस घर में जहाँ पूरा का पूरा खानदान घटिया और गिरा हुआ हो। जा जा बहुत अच्छी है ना तू। तुमसे तो अच्छी ही हूँ, अब ना रुकने की इस घर में मैं जा रही हूँ। मैं वहाँ रुक जाना, वहाँ रुक जाना, वहाँ इस मुसीबत में कहाँ छोड़ कर जा रही हूँ मुझे कम वक्त। तुम तो मुझसे बोलो भी मत, तुम सारे मर जाओगे तब भी तुमसे ना बोलूं। जा रही हूँ मैं अब्बू के घर, जब तुम सारे सुधर जाओ तो आ जाना मुझे लेने, जा रही हूँ मैं। रुक जाना अम्मी, अभी रुक जाना रोक ले। कमबख्त शकल को पीछे को कर ले, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, हमें जरूरत ना है उसकी। तुम्हें जरूरत ना, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। रुक जाना रुक जाना, मैं सुन रहा हूं। रुक जाना रुक जाना, मैं सुन रहा हूं। रुक जाना रुक जाना मान्या, रुक जाना रुक जाना मान्या। अच्छा अच्छा बतला गोलगप्पे खाएगी? सेब संतरे केले? रुक जाना मान्या बतला दे, बतला छोड़ो। क्यों भाई क्यों परेशान कर रहा है इसको, क्यों परेशान कर रहा है इसको? मैं तुम क्या धार लो, हम कैसी भी करें, चलो अपना काम करो। आपस की बात है, आपकी कुछ नहीं लगती है? ओए झूठ बोल देता हूँ वरना ताले मेरी अम्मी मर जाएगी। ना ना मेरी कुछ नहीं लगती भाईजान। अबे जब ये तेरे कुछ नहीं लगती तो छेड़ क्यों रहा है? उबा मैं भी छेड़ता कम भगत, उबा मार दे, उबा मार दे कम भगत, उबा मार मारे मैं पिटवा दे रुकता ना, उबा कम भगत गड़ी गड़ी पिटवा रही मुझे। भाईजान भाईजान छोड़ दो इन्हें भाईजान, ये मेरे मियाँ हैं, दी भी हूँ मैं इनकी। ये तो कह रहा था कि मेरी कुछ नहीं लगती। भाईजान इन्होंने गुस्से में कह दिया था, हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी। जाओ तो फिर अपने अपने घर को जाओ। ठीक है जल्दी घर चल। हाँ हाँ चलो चल चल, अम्मी से कह दूंगा मैं लाया हूँ मना के, तो चिंता मत मार। अब अम्मी से मैं कह दूंगा मैं लाया हूँ मना के। अरे आ गई लौट के ऊंची नाक वाली, अब ना कटी तेरी नाक, हमारा तो सारा खानदानी खराब है, अब क्यों आई? मैं ना आने वाली थी, वो तो तुम्हारा लौंडा ले आया मुझे मना के। अरे हम तो सोच रहे थे कटी रात, तू मना के लाया इसे। ओए मुझे झूठ बोलना है? मैं भी मना के लाता, झूठ बोल रही है साले। हैं अपना भाई अम्मी, मैं नहीं लाया इसे मना के। क्या और वो तुम्हें उन आदमियों ने नहीं पीटा था, वो तो तुम पे तरस खा के आ गई मैं। हैं बड़ी तरस खाने वाली बन रही है, रोटी पका ले, अम्मी भी खाएंगे अब्बू भी खाएंगे। अब्बू की तो टाल करो बेटा, अब्बू की सेवा की जरूरत ना, बहुत सेवा हो रही अब्बू की तो। अब्बू कहाँ चल दिया? मुझे जाना पंचायत में, रामफल के यहाँ चोरी हो गई, इतने तुम रोटी सोटी बनाओ और मैं पंचायत में होके अभी आ रहा हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ, मैं पंचायत में चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। पंचायत में चल मेरे साथ, लेकिन वहाँ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दियो। मैं भी बोलूंगा उल्टा सीधा, चलो लिखो, चलो अंदर चल, अंदर चल। प्रधान जी चोर तो मैंने देखा नहीं, जैसे करो वैसे कर लो, मैं तो पंचायत के साथ। हाँ भाई तुम बोलो, यागो चोर तो हम में से एक है और
जो सच बोलेगा। हाँ बेनी जी, हम तुम बता, जो सच बोलेगा ना उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। तू बोल भाई, मैं अब भी कह रहा हूँ, जो सच बोलेगा उसे कुछ नहीं कहा जाने का। और जी क्या कहते हैं, फिर बात देखो, बात बिगड़ेगी, बात खराब होगी, इसलिए सच ही सच बोल दो। हाँ भाई शेख चुल्ली, तू बोल। अगर मैं झूठ नहीं बोला तो मम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ, अब्बू का नाम ले देता हूँ। हाँ सुना पंचो, चोरी मेरे अब्बू ने की है, अब्बू चोर है। अबे क्या कह रहा है तू, पिटवाएगा? जलालुद्दीन क्या शेख चुल्ली ठीक कह रहा है? जी प्रधान जी, इसकी बातों में ना हो, ये तो पागल है। अबे क्या कह रहा है तू, पिटवाएगा? अगर झूठ नहीं बोला तो मम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। हाँ पिटवाएगा, जब नहीं सोची, जब कल चुरा कर लेगा माल, चोरी का माल लेगा, जब नहीं सोची कल को पिटाई भी हो सके पंचायत में। हाँ मेरा अब्बू चोर है मेरा अब्बू, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा अब्बू ने माल चुराया। रामफल जी चोर तो अपना भी आ गए, पकड़ो मारो सालों को। अरे भाई अब बात कर ले, जब तेरा बेटा ही कह रहा। प्रधान जी वो तो पागल है, हमने चोरी नहीं करी। अगर पागल होता तो भाग क्यों जाता? प्रधान जी मेरा सामान दिलवा दो, अन्नी मैं तो पुलिस में जा रहा हूँ। हाँ तो अब बता दो सामान कहाँ। भाइयों भाई यकीन करो, सामान हमारे पास नहीं है, नहीं है। या तो इस राम फड़का माल दे दे, और नहीं तो पुलिस आ जाएगी, और पुलिस जी तेरा पिछोड़ा लाल कर देगी, नहीं अपने आप काट देगा माल। समझ गया? उस शेख के बच्चे ऊपर के लाओ, और ये 3 दिन बंद रखो, और नहीं बता रहे तो पुलिस को दे दो। ठीक है प्रधान जी। उकसाना अम्मी, बाहर उकसाना, बाहर कहाँ घुस रही है? आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? मैं रोटी पक गई, मुझे भूख लग रही है। कहाँ से पक गई रोटी? और हाँ पंचायत का क्या हुआ, फैसला हुआ कि नहीं? बेटे अब्बू का तो रिमांड ले रहे हो, चुप रहिए बेटा, से कुछ चुप रहने में फायदा। अरे बोलता क्यों ना है, क्या हुआ? रामफल का चोर मिला न मिला, उसका सामान मिला नहीं मिला? अम्मी चोर तो मिल गए, मगर पंचायत में फैसला हो रहा। या अल्लाह, उस रामफल का सामान मिल जाना चाहिए। रुक जाना, कुछ खाने पीने को दे दे, मैं अंदर जा खाऊंगा। अगर कोई आए ना नुकाय शेख चिल्ली का, तो नुकाय देना शेख चिल्ली घर में नहीं है। अरे क्यों? आज तुम्हें सारी बात बताओ, तुम्हें पता नहीं है अम्मी, अगर भी आगे साले मुझे पीटने पड़ेंगे, और 3 दिन तक मारूंगा। अब्बू को तो लेगा 3 दिन के कॉन्टेक्ट पे, पता नहीं साले कब छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम अंदर जाओ। हाँ तुम अंदर जाओ। भाईजान वो तो पंचायत में गए हैं, अभी आए नहीं है। चलो चाबी मिला वही काटूंगा सारे। चल जाना अम्मी, चले गए वो लोग? हाँ चले गए, क्या ड्रामा है ये। शेख जी वो छत पे कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें बता रही है, मैं छत पे कूद के जंगल में भाग जाऊंगा, कभी साले फेर कहाँ जाए। या अल्लाह, इनकी खोपड़ी में क्या खिचड़ी पकती रहती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं तो चल के अपना काम करूँ। चलो अम्मी। चल बेटी चल। हाँ आया साला, वो साला मुझे फंसवाने के चक्कर में पागल मान रहे साले, बस साले मुझे पागल मान रहे। शेख चिल्ली कहाँ भाग रहे हो? अबे कौन है, अब क्या आफत है? मैं हूँ तेरा शुभ चिंतक। देखो शुभ चिंतक जी, मैंने आपकी बात मानी, तुम्हारी बात मानने के चक्कर में मेरे परिवार ने बहुत कष्ट झेले, बहुत दुख झेले, परंतु मैंने सच नहीं बोला। तुमने बहुत अच्छा किया, मगर आज का दिन तुम्हारे लिए और खतरनाक है।
भाजा मैंने इतना कष्ट झेल लिया, इतनी तकलीफ झेल ली, तो उसे भी बताओ। तो सुनो, अगर आज तुम झूठ बोले तो तुम्हारे अब्बू मर जाएंगे। अब्बू मर जाएंगे? हाँ, आज के बाद तुम्हें सच बोलना है, वरना तुम्हारे अब्बू गए। क्या भाई, क्या कह रहा शुभ चिंतक जी? नहीं नहीं लफड़ों में रोज फांसते हो मुझे तुम। खामोश, हम तुम्हें नए नए लफड़ों में नहीं फांस रहे, हम तेरे परिवार को बचा रहे हैं। आज शाम तक तुझे सच बोलना है, वरना तेरे अब्बू मर जाएंगे। ठीक है, अब मैं सच बोलूंगा, मगर अपने अब्बू को नहीं मरने दूंगा, बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। अच्छा शुभचिंतक जी, अब मैं चलता हूँ, सलाम अलैकुम। अब्बू मैं आ रहा हूँ, सच बोलने के लिए आ रहा हूँ। झूठ बोलने मम्मी नहीं मरने दी, और सच बोलने मैं तुझे नहीं मरने दूँ। आ लिया यार, गांव में इस टाइम कोई भी आदमी नहीं, सब गए हैं बाहर, और लड़का भी हमारा ड्यूटी पे गया है। और लो अल्लाह का नाम और काम शुरू करो। देखो जी, हम तो काम शुरू कर देंगे अगर आपको एतराज ना हो तो। ना जी, हमें कोई एतराज नहीं, आप शुरू कर दो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आगे से एक चुल्ली भी, पढ़ो बिस्मिल्लाह, करो काम शुरू। काम शुरू? वह कैसा काम शुरू कर रही हो? ये फैसल के रिश्ते वाले आए हैं, कह रहे लड़का दिखाओ। मैं कह रहा लड़का बिल्कुल सही है, देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टन लड़का, और काम शुरू करो। मुल्ला जी, लड़का तो सही है ना, तेरी गारंटी, अगर कुछ कल गड़बड़ होगी तजे तेरी बख्शीश नहीं। फैसल का रिश्ता? ओए तो साला बड़ा बदतमीज, अंधा काना लगड़ा लूला साला, झूठ बोल रहे साले, इसलिए मुझे तो सच बोलना, मुझे तो अपना अब्बू बचाना। क्या सोच रहे हो मुल्ला जी? कुछ नहीं। अच्छा वो फैसल के रिश्ते की बात है, वैसे लड़का बहुत सुंदर है, तोतला जी बोलता। हाँ, जिसे मिर्गी सीटती है, बताती है चेचक में आँख खराब हो गई थी, दारू पी का परसा गोबर में पड़ा था, वैसे नाली में मुंह निकला उसका, वैसे लड़का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। इतने कमीने आदमी अपने नहीं लिखे, तो मुल्ला जी ना उससे हम तो लुट जाते हैं, लड़की की जिंदगी खराब है। चलो अरे ओलो पर मुंह लुट ली गए, लुट जाते लुट लिए थे, बिगड़ो बस अंत है। चलो याद है इन कमीने में फंदा पड़ गया। चलो चलो ठीक है निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठूंगा। ठीक है, मैंने सही नहीं कहा अपराध भाई? सही गया, 70 कभी गाड़ के लड़के में तूने सही कहा, रिश्ता छुड़वा दे, हमारा करवा देना। साले तुमने तो नासी करता है। मैं बना साले का बोला कब बगा, मैं तुम्हें बता दे, मैं पैसे का रिश्ते की बात बता रहा था। मैं तो बवान बवान बाबूला क्यों कूट रहे कब बगा, सारा दाद जाता रहा, मैं किसी की लौंडिया को ऐसे ही सड़ा हुआ लौंडा देते, मैं मार दे बवान दे मैं मर गया। साले कम्मा का साले, मैं साले झूठ बोल रहे थे, झूठ बुलवा रहे थे शेख चिल्ली से, मैं झूठ बोलने वाला नहीं आज तो। हाँ साले ईद के दिल भर गए, साले कम्मा का साले मुझे मारा, साले सच बोलने पे भी। शेख जी चुप रहे मगर। अरे कब से आवाज दे रही हो, आप सुनते क्यों नहीं हो? शेख जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कम्मा का, मैं क्या बोलूं, मैं मुझे तो चुप रहने में फायदा। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे सारे लोग झूठ बोलने में मारते थे, और अब सच बोलने में भी मारते हैं, अभी भी पिटका रहा हूँ, देख मेरी शिकल। शेख जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, शेख जी मेरे पति को छुड़ा दो। मैं कैसे छुड़वा दूँ तेरे पति को? वो कह रहे हैं अगर शेख जी नहीं कहेगा तो हम छोड़ देंगे उसे, क्योंकि शेख जी ही गवाह है। एक बार चल के उन्हें बोल दो ना प्लीज। हाँ इंग्लिश हाड़ रही है, इंग्लिश से बात कर रही है। शेख जी प्लीज एक बार चलो, चलो ना शेख जी प्लीज। अबे हाँ शेख जी, तेरा बहुत बुरा करा डॉक्टर को फंसवा के, असली चोर तो साला वो है, खोके के पीछे बता रहा एड्रेस, डॉक्टर को छुड़वा देता हूँ। क्या सोच रहे हैं शेख जी, चलिए ना प्लीज एक बार चलिए। हाँ 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 चल 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 चल। हाँ भाई आप बता कहाँ कहाँ करी तेने चोरी? साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बता रहा काम चोरी का, डॉक्टर बता रहा है? साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। फिर डॉक्टर बता कहाँ कहाँ करी चोरी? साहब मैं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बता रहा, ढंग में बता ले कहाँ करी चोरी।
जनाब मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे श्रीचंद, आज आपने वर्दी नहीं पहनी? सर वो ड्राई क्लीन के लिए दी है, शाम को आएगी पहन लूंगा। मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, आप जाओ। सर जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। अरे वो जो चोर पकड़ा था, मेरे को उसकी फाइल चाहिए। सर ये रही फाइल। ठीक है, अभी तो मुझे थाने में जाना है और दौरे के लिए, और मुझे ये केस फाइनल चाहिए, समझे? ओके चाहिए बिल्कुल। ठीक है सर। जय हिंद सर। श्रीचंद अब कहीं नहीं जाना, केस फाइनल करना है। जी जनाब, जैसा आपका आदेश। दरोगा साहब सलाम। सलाम भाई सलाम, कैसे आए मुल्ला जी? आए क्या दरोगा साहब, उसे छोड़ दो, डॉक्टर चोर नहीं है। अच्छा, कल तक तो वो चोर था, आज चोर नहीं है, बयान बदल रहे हो हैं? रिश्वत खाई है? मैं रिश्वत? कैसी रिश्वत? साला मैंने तो आज तक कुछ खाया ही नहीं, मुझे क्या पता, उसे छोड़ दो। देखो जी घरवाली का रो रो का बुरा हाल हो रहा। अच्छा तेरे बाप का राज है जो उसे छोड़ दें? हाँ बाप का राज है, छोड़ दे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे बदतमीज। तेरे बाप का राज है, जब चाहे छोड़ दे, जब चाहे फाड़ दे। मार इसे, बोले मैं मारो, बोले बयान बदले। भाई यार मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो अपना बदल रहा हूँ। भाई जान मैं तो वैसे ही पीटता फिरूं, भाई जान मैं तुम्हें असली चोर बता दूंगा। बता तो बता, कहाँ है चोर? मैं ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, उस आला परवाड़ी की दुकान में सोता। अगर तूने इस बार झूठ बोला ना तो तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? मैं झूठ की बोलूंगा? मैं झूठ बोल कर मुझे अपने अब्बू मरवाने? मेरा था झूठ, सच में नाश हो रहा। चलो तो चलो, इसके साथ चलो, अभी पता चल जाएगा शेख चिल्ली का झूठ और सच। हाँ हाँ सब साथ चलो, डॉक्टर को बुला पहले। श्रीचंद डॉक्टर को बुला कर ले आओ। डॉक्टर को बुला नहीं रहे, ऐसा साथ चलो मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आजा दादा घूम कर चलेंगे, ये गांव का रास्ता उधर से घूम के पहुंच जाएंगे जल्दी। मुझे कह रहा था साला पनवाड़ी की दुकान के पीछे से होता हूँ। पनवाड़ी की दुकान तो वो मुल्ला जी, कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले आए जंगल में? उबे बेटे, उबे वो तो वालिया चोटा, चोर तो आ रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे मुल्ला जी आप कहाँ जा रहे हो? उबे मैं तो तुझसे मिलने जा रहा था सांड। अच्छा? कौन से खोके के पीछे सोता है तू? अरे खोके पे के मैं तुम्हें एमिल का बोलो क्या काम है? एमिल का बेटा चोर साले थाने चोर ले चला इसका साले। तो चोर मिली आप तो छोड़ दे। अरे दरोगा जी मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पकड़ रहे हैं तुझे, ले चलेंगे थाने में। हाँ ले जा ले जा ले जा ले जा, साले का हिरन बना था, हिरन गया साला, छोड़ दो मुझे। भाई डॉक्टर साहब तो घुसा, डॉक्टर नहीं अब तो घुस हो गई, अब तो मजे से दवाई गोली बेचो। भाई शेख जी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पिटाई करी थी और तुमने मुझे छुड़वा दिया। भाई इसमें माफ करने की रेसानी की क्या बात है भाई जान, भाई मुझे तो सच बोलना ही था। क्यों डॉक्टर नहीं? ठीक है शेख जी चलो रूबी। चलो तो अपने घर को जाओ। जा रहे हैं शेख भाई, जा रहे हैं। इधर कहाँ जा रहे हैं? चलो ठीक है, घूमो घूमो घूमो। डॉक्टर ने बोली नहीं, नहीं बोली जानता। ओबे ओबे मैं झूठ में पिट रहा हूँ, सच में पिट रहा हूँ, मगर कोई बात नहीं है, ना अब्बू को मरने दूं और ना अम्मी को मरने दूं, और साला दुनिया में कोई मर जाओ। बेटी तू मुझे गलत समझ रही है, मेरी लाडो मैंने तो आज तक किसी से बात तक नहीं करी, पता नहीं इस शेखू को क्या हो गया है, ये तो पागल हो गया है। और हाँ रही इनकी बात, इनका मैं कुछ कह नहीं सकती। बेटी मैंने एक अपनी बाप की इज्जत को बांध के रखा हुआ है, ना जाने इस तरह से तुमको क्या हो गया, जो अपनी घर की इज्जत को उछालने पे तुला हुआ है। मैं कैसे मान लूं,
खुद तुम्हारा बेटा कह रहा था डॉक्टर से मेरे सामने कि उसने उसकी बीवी छेड़ी, तो वो खुद पिट के आए वहाँ। घर में एक दो खराब हो तो मान लूं, झेल लूं, यहाँ तो पूरा खानदान खराब है। मैं पूरा खानदान सही है रुखसाना, तू नहीं जानती मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे अबू ने आज तक किसी से बात तक नहीं करी, रही अम्मी की बात, वो तो साले किसी नूरा को जानती भी नहीं, और मैंने कोई डॉक्टर की बीवी नहीं छेड़ी रुखसाना। तो फिर क्यों पिटते फिर रहे थे, क्यों अम्मी को पिटवाया और क्यों अब्बू को पिटवाया? रुखसाना तू नहीं जानती, कल मुझे एक शक्ति ने झूठ बोलने के लिए कहा तो मैं झूठ बोला, और आज आज मुझे उसी शक्ति ने सच बोलने को कहा तो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या शक्ति ने? रुखसाना पता, आज मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे मारते हैं साले। आखिर वो है कौन जो तुम्हें उल्टे सीधे पाठ पढ़ा रही है? आखिर वो चाहती क्या है हमारे परिवार से? कहाँ है वो? वहाँ जंगल में। चलो हम सब चलते हैं और मैं उससे पूछूंगा आखिर मेरे परिवार का कसूर क्या है, क्या चाहती हो मेरे परिवार से? क्यों बेगम? हाँ हाँ हम पूछेंगे। तो सुन रुखसाना, कल मुझे उसने कहा अगर तू झूठ नहीं बोला तो तेरी अम्मी मर जाएगी, और आज आज उसने मुझसे कहा अगर तू सच नहीं बोला तो तेरे अब्बू मर जाएंगे। क्या शेख जी ये बात है? मतलब अपने अब्बू और अपनी अम्मी अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ सच बोल रहा था। अरे माँ मेरे बेटे, तूने हमारे लिए इतनी तकलीफ और इतने दुख झेले, अरे आज मैं अपने पिटने का कोई कम नहीं है बिल्कुल भी। हाँ अबू आगे कुछ मत कहो, चलो हम सब चलकर देखते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। चलो अम्मी चलो। अबू यही जगह है वो? अबू दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ आवाज करती है, आवाज 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 सुनती है उसकी। अच्छा बुलाओ शक्ति को हम भी देखें। शिवचिंतक जी अब मेरे परिवार से बात करो, मेरे परिवार से बताओ। क्यों शिवचिंतक जी डर गए? मेरी अम्मी से डर गए? मेरे अब्बू से डर गए? रुखसाना से डर गए? हाँ शक्ति बोलो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, बताओ। शेख अगर तू सुनना चाहता है तो सुन, मैं तुझसे बदला लेना चाहता था और बदला लूंगा। मगर हमने किया क्या है ये तो बताओ। मैं वही हूँ जिसे तुमने खीर में जहर देके मार दिया था। तुमने अपने शेख को तो नहीं खिलाई? अच्छा तो वो तुम हो रामनाथ जी, मैं तुम्हें बताती हूँ सच्चाई, तुम कैसे मरे जानोगे सच्चाई? हाँ अगर जरा भी सच्चाई हुई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। देखो मैंने दोनों के लिए खीर खाने के लिए भेजी थी, शेख जी खीर रख के चले गए हाथ धोने और तुमने खीर खा ली। जब मैंने घर में देखा कि खीर की हंडिया में छिपकली पड़ी हुई थी तो मैं भागी हुई गई आपको बताने के लिए, लेकिन तब तक आप खीर खा चुके थे और शेख जी खीर खाने बैठे ही थे, बस इसीलिए शेख जी बच गए। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। अरे हमने तो